हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गीतिका और मैं अब आ गई हूँ इंडिया। तो अब यहाँ पे आज मैं आपको ये वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ। जब हम लोग ज्यूरिख टू पुणे मैंने जब ट्रैवल किया था, तो ये तभी का वीडियो है। बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं अभी तक अपलोड ही नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, मुझे यहाँ पर आए हुए अभी एक हफ्ता हुआ है और बहुत सारा काम है। मेरे हस्बैंड भी अभी यहाँ पे नहीं हैं, बच्चों के साथ बहुत कुछ काम है जो मुझे करने पड़ रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था अपलोड करने का। और ये दुबई का एयरपोर्ट है, हमारी फ़्लाइट अभी अभी लैंड हुई है और हम लोग जो ये ट्रेन से अभी हम लोग जो है एयरपोर्ट की तरफ जा, एयरपोर्ट ही है ये, बट अभी हमको अपना गेट नंबर देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर तो चेक इन नहीं करवाना है, क्योंकि हमने जो हमारा लगेज है वो हमें डायरेक्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलेगा। तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करवाना है और उसके बाद हमें डायरेक्ट गेट पर जाना है अपने। तो ये दुबई का एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। बट रात के 12-1 बज रहे थे आई थिंक वहाँ पे उस टाइम, और हम लोग काफ़ी थके हुए थे। एक दिन पहले भी मेरी नींद नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने बहुत ही कम शूट किया है। कई जगह तो ऐसा था कि हमारी बैटरी स्लो थी फ़ोन की, और कई जगह ऐसा था कि हम ही खुद लो थे, हमारी बैटरी लो थी और फ़ोन भी चार्ज नहीं थे हमारे, और मन भी नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का, बट फिर भी ब्लॉग्स के लिए तो बनाने ही थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया। तो बस अभी हम लोग देखते हुए जा रहे हैं, और एयरपोर्ट पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही इजी होता है। सभी जगह आपका जो गेट नंबर है वो लिखा होता है, आपका जो बोर्डिंग पास होता है उस पर आपका नंबर लिखा होता है कि आपको किस गेट से कौन सी फ़्लाइट मिलेगी, तो वहाँ पर इजीली आप पहुँच सकते हैं। और अगर नहीं भी पहुँच सकते हैं तो आप किसी से पूछ सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी चेक बहुत ही ईजी था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट होगा, दुबई में मैंने जैसा कि सुना है पहले काफ़ी, कि यहाँ पर काफ़ी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बहुत ही इजीली हमारे जो बैग्स हैं वो सिक्योरिटी के लिए गए और बहुत ही इजीली हम लोग निकल गए। 2 मिनट लगा हमें मुश्किल से, और हम लोग अपने गेट की तरफ चले गए। कुछ भी हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई, बहुत ईजी था सब कुछ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, और फूड कोर्ट भी देख रहे थे हम लोग, क्योंकि हम जब ज्यूरिख से दुबई आए थे तो ज्यूरिख से दुबई का जो टाइमिंग था वो 6 आवर्स का था, तो उसमें हमें एक टाइम लंच दिया था, हमें डिनर उसमें प्रोवाइड नहीं किया था। फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें थोड़ी भूख लग रही थी, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अपना एमिरेट्स का हमारा जो गेट नंबर है उस नंबर पर हम लोग पहुँच जाएँ पहले, और फिर हम लोग खाना वगैरह देखते हैं। तो हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, और क्योंकि वो थोड़ा सा टेंशन कम हो जाता है कि भाई चलो गेट नंबर तो देख लिया अभी, तो कोई टेंशन नहीं रहती है। एक बार गेट नंबर पता चल जाए तो आराम से वहाँ बैठकर आप अपना सामान वगैरह रख कर फिर आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, फूड कोर्ट रहता है, सबवे मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे लकीली एक इंडियन रेस्टोरेंट दिख गया था, तो वहाँ से हमने बिरयानी ली थी, कुछ चिकन टिक्का वगैरह ऑर्डर कर दिया था, और मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था सैंडी के लिए, क्योंकि उसे मार्गरीटा खाना था। और यहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज है, यहाँ पे डॉलर्स चल जाते हैं दुबई में, डॉलर्स एक ऐसी करेंसी है जो कभी भी कहीं भी चल जाती है, तो यहाँ हमने एक्सचेंज भी करवा लिए थे। और हम लोग अभी दुबई से हम लोग निकल गए हैं, ये दुबई से दिल्ली की फ़्लाइट है। यहाँ पर अभी हम लोग बैठ गए हैं, सब अपना अपना सामान रख रहे हैं, और ये भी विंडो सीट ही मिली हमें, पहले ही हम लोगों ने चेक इन करवा लिया था। जब ऑनलाइन चेक इन कराते हैं तो आप उसमें सीट का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, सीट्स आप चूज़ कर सकते हैं उसमें, तो हमने हमेशा हम लोग विंडो सीट ही चूज़ करते हैं। तो अभी हम अपनी फ़्लाइट में हैं, और ये फ़्लाइट हमारी बस टेक ऑफ होने वाली है, और ये सीट के सामने जो स्क्रीन होती है ना उस पर ये फ़्लाइट हमें स्क्रीन पर दिखा रहा था, तो हम लोगों ने वो भी शूट किया। और काफ़ी टायरिंग रहा ये सफ़र, बहुत ही टायर्ड हो गए थे हम लोग सब। और दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँच के तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट हम लोग सुबह सुबह पहुँचे थे, और इतना भागम भाग हो गई थी वहाँ पे इमिग्रेशन के टाइम और सिक्योरिटी चेक, क्योंकि वहाँ पे हमें पूरा सामान अपना लेना था, लगेज, और हमें वापस फिर से वहाँ पे चेक इन करवाना था अपना सामान,
और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होना था, और प्लस दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे मुझे अपना टर्मिनल चेंज करना था। मैं टर्मिनल 3 पर मेरी फ़्लाइट लैंड की थी और वहाँ से मुझे टर्मिनल 2 पर जाना था, जो मैंने बिल्कुल भी अपनी टिकट में नहीं देखा था। मुझे इतनी दिक्कत हुई वहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर हमेशा ये चेक कर लीजिए कि आपकी फ़्लाइट कहाँ से है। मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 2 से थी, क्योंकि वो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी दिल्ली टू पुणे। तो दिल्ली टू पुणे अभी हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए हैं, वहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, बहुत जल्दी जल्दी हो गया था सब कुछ। तो इंडिगो की फ़्लाइट है मेरी, और यहाँ पे हम लोग तीनों बैठ गए हैं। इतने थके हुए हैं कि फेस पे ही आपको दिख रहा होगा कि कितना थके हुए हैं। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सामान लोड हो रहा है हमारी फ़्लाइट में। तो यहाँ पे इस तरीके से लोड करते हैं सामान, जो भी सामान आपका जाता है, तो वो जो चेक इन आप करवाते हैं ना, वो सामान हमारी फ़्लाइट में ही जाता है। वो नीचे की तरफ एक सेक्शन होता है जहाँ पर खाली एरिया होता है, वहाँ पर ही आपका सामान वो लोग डाल देते हैं, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे ये तो आपको पता ही है, डोमेस्टिक फ़्लाइट जो होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं कंपेरेटिवली इंटरनेशनल फ़्लाइट के, तो काफ़ी छोटी रहती हैं ये, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहती हैं। और खाना वगैरह तो इसमें आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जब पहले ही जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आप उसमें अपना खाने का जो है फूड सेक्शन में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ रैप्स और सैंडविचेस ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि ये आफ्टरनून की फ़्लाइट थी मेरी और दिल्ली एयरपोर्ट पर तो हमें चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पर मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी, और पहले से ही हम लोगों ने ये फूड सेक्शन में ये डालकर रखा था कि हमें ये खाना ये दिया जाए इसमें। तो आप अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट में जाते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट ज़्यादा देर नहीं लगता है, 1-2 घंटे की रहती है, तो उसमें आपको मील सजेस्ट पहले से ही करना पड़ता है। और अब हम लोग यहाँ पे पुणे पहुँच गए हैं, बहुत जगह मैं शूट कर नहीं पाई, और ये पुणे पहुँच के पूरा लगेज हमारा सब कुछ थैंक्स टू गॉड, सब कुछ हमें सब मिल गया था, सामान कुछ भी मिस नहीं हुआ। इजीली हम लोग ज्यूरिक से पुणे पहुँच गए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे, बट क्या कर सकते हैं, कभी कभी ये एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, अच्छा होता है। तो अभी घर जैसे ही पहुँचे हैं तो लाइट नहीं थी। लाइट का ऐसा है यहाँ पे कि चार्ज हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है पहले, फिर वो एक नंबर देते हैं, वो नंबर अपने मीटर में फीड करना होता है, और फिर उसके बाद हमें लाइट आती है। तो ये हर मंथली या 2 मंथ में आप करा सकते हैं, ऐसा होता है यहाँ पे। तो लाइट अभी मैंने नंबर डाल दिया है, रिचार्ज करवा दिया था, और ये मंदिर मेरा और ये मेरा छोटा सा घर, एक ये हॉल है और 2 बेडरूम हैं, और एक बेडरूम में बंद करके गई थी, और 1 BHK हमने फुली फर्निश्ड हमने इसे रेंट पर दे दिया था। तो ये बालकनी है मेरी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एरिया, और ये पिजन नेट लगा के रखी है हमने, क्योंकि यहाँ पे पिजन बहुत आते हैं, यहाँ पे कबूतर बहुत प्रॉब्लम है कबूतर का, तो आकर ना सब गंदा करते हैं वो बालकनी में, तो हम लोग ये पिजन नेट सब लोग लगा कर रखते हैं यहाँ पे। तो अभी काफ़ी मैं 1.5 साल बाद आ रही हूँ, तो बहुत कुछ चेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हॉल है हमारा, सामान पूरा अभी ऐसे ही रख दिया है हमने, अभी निकालेंगे धीरे धीरे, आराम से अनपैक करेंगे सब कुछ। और ये हॉल के बाद ये किचन है, डाइनिंग टेबल रखा है एक तरफ, बट इसका कुछ भी काम नहीं होता है, हम लोग कभी इस पर बैठ के खाना नहीं खाते हैं। हम लोग की सबकी आदत है हॉल में बैठ कर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं सब लोग। तो यहाँ पर बस हैप्पी सैंडी यही देख रहे हैं। यहाँ ऊपर मेरा एक ग्रॉसरी का रखने के लिए एक मैंने शेल्फ बनवाई थी, और ये किचन है मेरा, और यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर के नीचे सिंक लगा हुआ है, और ये ड्राई बालकनी है, ड्राई बालकनी में वॉशिंग मशीन रखी है, और एक और मैंने प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनवाया था सिंक के साथ, क्योंकि मैं पहले, आपको पता ही है, मैं तो केक बनाती थी, केक का बिजनेस था मेरा, तो यहाँ पर ना बहुत बर्तन हो जाते थे, तो मैं किचन में काम करती थी गैस के बाजू में, तो उस टाइम अगर मेड्स वगैरह आ जाएँ तो बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं उनको बोलती थी कि तुम बाहर वाले सिंक में धो लो बर्तन। तो यहाँ पर ये मेरा काफ़ी अच्छा बड़ा किचन है, और ये जो बेडरूम है ये बच्चों का बेडरूम है, बट इसमें मैं सारा सामान रख गई थी, जो भी बर्तन मुझे यूज़ के नहीं थे, जो भी कपड़े यूज़ के नहीं थे, वो सब हम उसमें भर कर चले गए थे। और ये है ड्रेसिंग टेबल, और ये एक कॉमन बाथरूम है। तो घर की हालत तो फ़िलहाल ठीक ठाक ही थी, और ये मास्टर बेडरूम है, इसमें 2-3 कबर्ड्स हैं, ऊपर शेल्फ वगैरह बनवाए थे हम लोगों ने। तो ये अभी मैं जल्दी जल्दी ही बता रही हूँ आपको, जो भी मेरा घर फ्लैट का है, और ये हमारा मास्टर बेडरूम में जो बाथरूम है वो है।
तो बस यही छोटा सा घर है मेरा। तो घर में अभी कुछ कुछ थोड़ा सा मतलब नुकसान भी हुआ था, तो मैं वो बाद में शेयर करूँगी आपसे। फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ हम लोगों ने रेंटेड मतलब रेंट पर ही दिया हुआ था, मतलब फुली फर्निश्ड दिया था। तो उसमें बेड अपना, सोफ़ा और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ दिया हुआ था। किचन में भी थोड़ा सामान मैं देकर ही गई थी। माइक्रोवेव रखा हुआ है इस तरफ, और ये हम बस अपने फ़ोन चार्ज कर रहे हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा ये कर सकें। अब ये नेक्स्ट डे है, अब ये मुझे टेंशन हो रही है कि सामान कैसे निकालेंगे, क्योंकि सामान भरते टाइम तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा इसमें, जल्दी जल्दी भरा गया था 2-4 दिन में, बट अब निकालने में बहुत हालत ख़राब हो रही है। और इसके बाद का वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।